क्योंकि हम सनातनी हैं। हम गंगा या हमारी भाषा बहुत सीमित और सुरक्षित है, पर हम शस्त्र शास्त्र दोनों जानते हैं क्योंकि हम सनातनी हैं। हमारे सनातन में शस्त्र शास्त्र दोनों की मर्यादा ठीक से आती है और हमें बालाजी ने चुना ही इसीलिए। सनातन धर्मर अस्मिता और सत्यता उपरे संदेह करुथिबा मनुष्य मानकु मुतोड़ जवाब देउछंती बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री, जहांको ना एबे चर्चार सबुठारु उपरे। आपण सोशल मीडिया खोलंतु अथवा टीवी आउ खबर कागज सबुठि गोटिए नार चर्चा, चमत्कारी बाबा धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। ଭାରତ ଏବେ ଉଗ୍ର ଧର୍ମାନ୍ତରଣ ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରୁଛି। କମୁଛି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା, ମୌଲବୀ ଫାଦରମାନଙ୍କ ବେଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ନିରୀହ ବନବାସୀମାନେ ଧର୍ମାନ୍ତରିତ ହେଉଛନ୍ତି। ମୂଳ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୋଇ ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପାଲଟୁଛନ୍ତି। ସୀମାନ୍ତବର୍ତ୍ତୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଏଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଥିବା ବେଳେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବା ଏନେଇ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ଖାଲି ମୁହଁ ଦେଖି କାହାର ଭବିଷ୍ୟ କହୁନାହାନ୍ତି, ବରଂ धर्मांतरित हिंदू मानों को स्वधर्म को फेराई आणुछंती। जगह जगह पर हम कथाएं कर रहे हैं केवल धर्मांतरण रोकने के लिए ही, और एक नई विचारधारा हमने प्रारंभ की है। बागेश्वर धाम भारत की पहली ऐसी व्यासपीठ है जहां पर हर एक दो महीने के अंदर तीन दिन की कथा वनवासी क्षेत्रों में जो सॉफ्ट कॉर्नर वाले लोग हैं, बहुत ही भोले भाले लोग हैं, उनको जो मिशनरी वाले लोग अटैक करके उनको लालच दे करके धर्मांतरण करवा रहे हैं, उनके बीच जाकर हमने वनवास में जाकर कथा करने का संकल्प लिया। भगवान की कृपा से सक्सेसफुल मिशन है। जहां कथा की वहां 15 परिवार वापस लाए, दूसरी जगह कथा की वहां से 160 परिवार दमोह मध्य प्रदेश के, पूरे देश में चर्चा हुई थी, 160 परिवार उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाए। ଭାରତବର୍ଷ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର ଥିଲା, ରହିଛି ଆଉ ରହିବ। ସମୟର ଧୂଳି ଲାଗି ନିଷ୍ପ୍ରଭ ହେଉଥିବା ସନାତନ ଧର୍ମ ଏବେ ପୁନଃ ଜାଗିଛି। ଏ ନେଇ ନିଜ ଦିବ୍ୟ ଦରବାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଭାରତର ସମସ୍ତ ସନାତନୀଙ୍କୁ ଜଗାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ମେଲ୍ଛଙ୍କ ବିନାଶ ହେବ, ଯେଉଁମାନେ ସନାତନ ବିରୋଧୀ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କଡ଼ା ଜବାବ ଦିଆଯିବ। नेता हो अथवा वह साधु संत हो अथवा कोई भी हो, जो जो धर्म विरोधी कार्य कर रहे सनातन विरोधी, अब उनको मुंह की खानी बढ़ रही है और धीरे धीरे हिंदुत्व जगेगा। हमें भरोसा है हिंदू जागा है, जाग रहा और जगेगा, और ये मिलिच्छों का राज। बॉलीवुड उपरे मध्य धीरेन्द्र चमत्कार आक्रमण करिसेंती। कंटेंट उपरे काम करथिबा बॉलीवुड केवल हिंदू देवादेवी को विरोधाचरण करी फिल्म करि पारे, ହେଲେ ଏଠି କାହାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କେହି ଅନ୍ୟ ଧର୍ମକୁ ବିରୋଧ କରି ଫିଲ୍ମ କରିବ। ହିନ୍ଦୁମାନେ ସାଧା ସିଧା ଅହିଂସାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିବା ମଣିଷ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟାର୍ଗେଟ ପାଲଟି ଯାଉଛନ୍ତି। ଔର ବାଇକଟ୍ ହି ଇସ୍କା ବହୁତ ସରଳ ସର୍ବୋତ୍ତମ ଉପାୟ ହେ, ଉନ୍ହେଁ ମୁଁହ କି ଖାନି ପଡ଼େଗି। ଔର ଉନକୋ ଦେଖୋ ହମାରି ବିଚାରଧାରା कभी भी दंगाई, सनातनीय व्यक्तियों की कभी भी विचारधारा कभी भी हिंसात्मक नहीं रही। हम लोग सब सनातनी पूर्णतया अहिंसावादी हैं, परंतु हर बार सनातनी हिंदुओं के देवी देवताओं को ही टारगेट इसलिए बनाया जाता क्योंकि हम लोग बड़े भोले भाले लोग हैं, हम लोग अहिंसा पर भरोसा रखने वाले लोग हैं। हम उन मूवी वालों से ये कहेंगे आपके माध्यम से, उनके बाप में दम हो तो किसी दूसरे धर्म के भगवान के खिलाफ बना दें, भारत में रहना मुश्किल। ଅନ୍ୟ ଧର୍ମର ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦିଅନ୍ତି, ହେଲେ କେହି ଅବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମିରାକଲ କହି ତାଙ୍କ କଥାକୁ ବିଶ୍ୱାସର ଆଧାର ବୋଲି ଭାବି ନିଆଯାଏ, ହେଲେ ବାଗେଶ୍ୱର ବାବାଙ୍କ ସିଧା ସିଧା କଥା, ମୋର ମୋଠୁ ଅଧିକ ମୋ ଇଷ୍ଟଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ଅଛି, କେବଳ ଭରସା ନୁହେଁ ଯଥେଷ୍ଟ ଭରସା ରହିଛି। हो सकता है ऐसा हो सकता हो, परंतु हम ये दावे के साथ नहीं, हम ईश्वर पर भरोसे के साथ कहते हैं, हमें अपने इष्ट पर भरोसा है। शक्तियां होती हैं, उसका प्रत्यक्ष प्रमाण बागेश्वर बालाजी का दिव्य दर्शन। बागेश्वर बाबांक दिव्य दरबार अनेक लोकों को समस्या रा समाधान करुछि, जेउति पई टंकाटिए मध्य आदाय करा जाउ नहीं। ଆମେ କୌଣସି ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ହିନ୍ଦୁ ଧାର୍ମିକ ଚେତନାରେ ମନ୍ତ୍ର ଶକ୍ତିର ମୂଲ୍ୟବୋଧ ରହିଛି, କେବଳ ଏହା ଜଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁ।
ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।